गुजरात में स्मार्ट सप्लाय चेन कॉन्क्लेव नु आयोजन। इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा गुजरात में स्मार्ट सप्लाय चेन कॉन्क्लेव नु आयोजन गांधीनगर खाते करवामां आव्युं हतुं, जेमां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा कार्यक्षमता लावा पर ध्यान केन्द्रित कर्युं हतुं। गुजरात स्टेट काउंसिल नेतृत्व में इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स गांधीनगर में सप्लाय चेन और लॉजिस्टिक पर एक कॉन्क्लेव नु आयोजन कर्युं हतुं, जेमां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा कार्यक्षमता लावा पर ध्यान केन्द्रित कर्युं हतुं। देश में अग्रणी नेशनल चेम्बर तरीके आईसीसीए भारत में वाणिज्यना सुधारा उद्देश्य साथ उद्योग निष्णातों ने सरकारी अधिकारी साथ चर्चा द्वारा विविध क्षेत्रीय मुद्दाओं ने संबंधित पण कर्या हता। इंडियन सप्लाय चेन उद्योग ई कॉमर्स लास्ट माइल डिलीवरी ओमनी चेनल अने घणा बधा मुख्य प्रभावों साथे झड़पथी विकास करी रह्यो छे। स्मार्ट सप्लाय चेन कॉन्क्लेव में बे विषय पर चर्चाओ थई हती। आपका नाम और परिचय? सुकांत मिश्रा, एमडी ऑक्टागन इंटरनेशनल दुबई, और मैं कई कंपनियों के बोर्ड पे हूँ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हूँ। यहाँ पर जो कंपनी आई है वो है APSL। तो आज का एजेंडा क्या है और किस पर चर्चा होने वाली है? आज का एजेंडा है स्मार्ट सप्लाई पे, और कैसे इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जाए, कैसे लॉजिस्टिक्स के अंदर ये नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको बेहतर, इफेक्टिव और एफिशिएंट किया जाए। खास करके आज उपस्थित रहे हैं, जिस तरह से चर्चाएँ हुई है, अभी जो हिंदुस्तान की करंट स्थिति वो बहुत ही अच्छी है। हम यहाँ से सिर्फ बढ़ोतरी की तरफ जा सकते हैं, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो मोदी जी के एजेंडाज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए अगर मैं उसके हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए बताऊं, तो इंडिया के लिए अब बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड आने वाला है आगे आने वाले 10 सालों में। और जिस तरीके से सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर रही है लॉजिस्टिक्स में, रोड में, ट्रक्स में, रेलवेज में, कॉरिडोर्स में, उससे हमें लग रहा है कि हम काफ़ी आगे जाने वाले हैं। आयोजन किया गया है, क्या है उसके बारे में? आपका परिचय? आपका नाम? मैं नंदीश शुक्ला हूँ, उपाध्यक्ष दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला। तो जैसा आपको पता है कि कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट भारत के सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है और भारत का जो टोटल लॉजिस्टिक सिनेरियो है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। तो आज मुझे यहाँ पे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो इसका विषय है ये बहुत प्रासंगिक है, सामायिक है, कि कैसे हम लॉजिस्टिक्स को, वेयर हाउसिंग को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे हम उसको समय के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अंदर भी यही कहा था कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, सामरिक परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और लॉजिस्टिक और जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। तो हमारा जो सप्लाई चेन हो वो ऐसा हो जो कि ये सह सके, जो बदलाव है वो सह सके, उनके सामने खड़ा हो सके और ख़ुद से सीख सके। क्योंकि आपने देखा होगा, ये अभी हाल की बात है, कोविड महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन वॉर और फिर अभी जो रेड सी में भी जो हो रहा है उसके चलते सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो भारत जब तेज़ी से प्रगति आगे कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी सप्लाई चेन बनाएं जो कि समय के साथ रह सके और समय के साथ भारत के जो लॉजिस्टिक सिनेरियो है उसको और शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सके। तो इस पर आज काफ़ी वाद विवाद होगा, काफ़ी इस पर चर्चा होगी। भाई बहुत खुशी है क्योंकि इंडस्ट्री के बीच में सब पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने अभी तक क्या किया है, हमें और आगे क्या करने की ज़रूरत है, सरकार से या फिर जो महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं सेक्टर के उनसे इंडस्ट्री को क्या चाहिए और आगे का रोड मैप क्या हो। तो इस कॉन्फ्रेंस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके किस तरह का मुख्य एजेंडा रह गया और आगे भविष्य में क्या उसके ऊपर कार्य किया जाए? देखिए, जब हम लोग स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन में बहुत एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स एज अ सर्विस, RaaS कहते हैं उसे, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ में दूसरा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में और उनकी प्रेरणा से जो अभी हम लोगों ने यूलिप सेट हुआ है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और साथ में हम लोग जैसे पोर्ट सेक्टर में NLP मरीन, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन की बात कर रहे हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक सिनेरियो है पोर्ट से लेके एक गोदाम तक या एक उपभोक्ता तक वो क्लियर होगा, उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। ये आगे कैसे हो सकता है, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी है और आगे इसका रोड मैप कैसा होगा, विशेषकर डेटा प्राइवेसी और इन सब कंसर्न्स को साथ में रखकर, इसी के साथ हम लोगों को ये चर्चा करनी है कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं।
व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।